नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गाजीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम योगी भी मौजूद थे। दोनों एक जनसभा को संबोधित करने आईटीआई मैदान पहुंचे थे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्वमित्र से जुड़ी इस पावन धरा के मेडिकल का नाम हम लोगों ने महर्षि विश्वमित्र भी रखा है। वही राम हमारी विरासत है, 500 सालों की सार्थक साधना के रूप में हमारे सामने आया है। अयोध्या में आज राम मंदिर का निर्माण काम आखिरी चरण पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। इस दौरान जेपी नड्डा पवहारी बाबा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने पवहारी बाबा आश्रम में दर्शन कर पूजा अर्चना किया है। वही अब खबर गोड्डा से है, जहां पर महिला पहलवानों के आरोप के बाद केसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे का दबाव बना जा रहा है। और इस कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला और पुरुष पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप पहलवानों ने लगाया है और इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी पत्रकारों से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मेरी अमित शाह से कोई बात नहीं हुई है, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मैं किसी की दया से नहीं यहां बैठा हूं, मैं कुश्ती संघ का चुना हुआ अध्यक्ष हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बड़ा एक्शन हुआ है, और साथ ही बता दें कि उनकी बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग ने अटैच कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर निर्माण चल रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ रुपए इंद्रमणि त्रिपाठी खर्च कर चुके हैं। इस प्रॉपर्टी के बेनामीदार मीरा पांडे के नाम पर महिला है, और साथ ही ये मूर्ति संगीता चंद्रा और साथ ही न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ में याचिका मीरा पांडे की ओर से राज्य सरकार के वर्तमान में मुख्य स्थानीय अधिवक्ता अभिनव नारायण त्रिवेदी ने बतौर निजी अधिवक्ता याचिका दाखिल की। इसमें बताया गया है कि आयकर विभाग ने मीरा पांडे द्वारा ली गई संपत्ति का लाभार्थी है और उनके दामाद इंद्रमणि त्रिपाठी को बताते हुए नोटिस और आदेश जारी किया है। याचिका पर बुधवार को बहस पूरी नहीं हो पाई। कोर्ट ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार का 2:15 बजे का समय नियत किया है। बृजनौर के गांव जलालपुर में सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य द्वारा बता दें कि सदस्य दारा सिंह ने आज गरीब असहाय लोगों को रजाई और कंबल बांटी है। वहीं गर्म कपड़े पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी गरीबों ने सपा सैनिकों प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह को आभार व्यक्त किया। दरअसल आज राष्ट्रीय आह्वान पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य दारा सिंह ने बृजनौर के गांव जलालपुर में पहुंचकर गरीब असहाय लोगों को रजाई और कंबल बांटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश के बाद से दारा सिंह ने गरीब लोगों को कंबल बांटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में गरीब लोगों को कंबल बांटने के लिए निर्देशित किया था, ताकि बढ़ती सर्दी से बता दें कि गरीबों को राहत मिल सके। जिसके बाद से आज दारा सिंह ने जलालपुर में सभी गरीब लोगों को रजाई और कंबल बांटी। रजाई और कंबल कर गरीबों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने लगातार आभार व्यक्त किया है। ये हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि जो कार्यकर्ता हैं जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वो अपने हिसाब से गरीबों को चुने और गरीबों में कंबल रजाई लोई वगैरह वितरण करें, जिससे कि अब इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि सर्दी का कारण गरीब लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती। एक तो बेरोजगारी ज़्यादा है और वो ठंड में सुकड़ते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक की जो है ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं।
बता दें कि बिजनौर की ये तस्वीर जहां पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्णी ने सैनिकों को कंबल बांटे हैं और कार्यकर्णी सदस्य दारा सिंह है ये जिन्होंने गरीब असहाय लोगों को रजाई और कंबल बांटी, जिसके बाद से गरीबों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली है, उन्होंने आभार व्यक्त किया है। वहीं सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्णी सदस्य दारा सिंह का इन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही बता दें कि आज राष्ट्रीय आह्वान पर सपा सैनिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्णी सदस्य दारा सिंह ने बिजनौर गांव में पहुंचकर वहां लोगों को कंबल बांटते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव जो सपा के प्रमुख हैं उनके निर्देश के बाद से उन्होंने गरीबों को कंबल बांटे हैं। दरअसल बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में गरीबों को कंबल और रजाई बांटने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से वहाँ पर दारा सिंह जो थे उन्होंने कंबल बांटे हैं। दरअसल ठंड का सितम लगातार जारी है और बढ़ते ठंड को देखते हुए सपा प्रमुख ने रजाई और कंबल बांटने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ये कंबल और रजाई बांटी गई और जिसको लेकर लोगों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली है। लोगों ने सपा प्रमुख का आभार व्यक्त किया है। साथ ही बता दें कि लोगों ने इस दौरान आभार व्यक्त करते हुए उनका कहना था कि जिस तरीके से गरीबों के लिए सपा खड़ी है और गरीबों को सपा ने कंबल और रजाई वितरण किया है, काफी खुशी की बात है और इसको लेकर हमें काफी खुशी है। अब खबर बिजनौर से है जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 10 वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाली हत्यारिन मां अपने प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर ली गई है। एसपी देहांत श्रीराम अर्ज ने रिजर्व पुलिस लाइन में यह घटना का खुलासा किया है। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गाँव जाफरपुर कोट का है, जहाँ पर 17 वर्षीय बता दें कि इस दौरान 10 वर्षीय बच्चे का शव खेत में बरामद किया गया है। 17 जनवरी को 10 वर्षीय बच्चे का ईक के खेत में शव मिला था। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आला अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने निर्देशन पर पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। थाना चांदपुर क्षेत्र अंतर्गत जाफरपुर कोट गाँव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। और ये बिजनौर की खबर जहां पर बता दें कि कलयुगी मां ने अपने ही बेटी की हत्या कर दी और साथ ही बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने 10 वर्षीय बच्चे की इस मां ने हत्या कर दी है, जिसके बाद से दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस दौरान बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए इस मामले को पुलिस ने आज खुलासा किया है और मामला जनपद बिजनौर थाना चांदपुर इलाके के गांव जाफरपुर कोट का बताया जा रहा है। यहां 17 जनवरी को 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया था खेत से। उसके बाद से पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और उसके बाद आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है और इस दौरान ये कलयुगी मां और उनके प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए पुलिस इस मामले को जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के निर्देशन पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। वही बिजनौर जिले के लिए ये खुशी की बात है कि लोग दूसरे देश में बिजनौर को जान रहे हैं। जी हां, आज भी बिजनौर के पोलैंड देश से आए मेहमान पूरे भारत की शेर कह रहे हैं। इसी बीच विदेशी मेहमान कई राज्यों में घूमते हुए बिजनौर की गंगा से होते हुए कहीं और जा रहे थे कि किसी कारण उनकी बोट अचानक से पंक्चर हो गई, जिसके बाद से गंगा किनारे कुटिया में रह रहे साधु ने विदेशी मेहमान की मदद की, दोनों को चाय नाश्ता करवाया। और इस दौरान बता दें कि दोनों विदेशियों ने सफ़र बिजनौर से बता दें कि इस दौरान वाराणसी तक का था, जिसके बाद से उन दोनों विदेशी ने इन साधु का आभार व्यक्त किया और बिजनौर की काफ़ी तारीफ की। And we started our journey 4 days ago in Rishikesh.
How many days ago did you start your journey? So we started about a week ago, but we have to repair the boat on the way. So we started 4 days ago in Rishikesh, and we are following the Ganga River down to Varanasi. So how did you come here, and what happened with you, with your boat? So what problem did you face till now? So we were passing this place by the river, and we just stopped here for a chai. And we stopped for a chai, we finished the tea. थाना क्षेत्र ग्राम गाजीपुर के बता दें कि टंकी निर्माण कार्य के लिए ग्राम प्रधान ने सरकारी जमीन बताकर एक किसान की जमीन में जैसे ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया तो भूमि स्वामी ने तत्काल इसका विरोध किया। पटवारी के हस्तक्षेप के बाद ग्राम प्रधान बैंक बता दें कि ग्राम प्रधान बैक फुट पर आ गया। आपको बता दें कि मामला किरतपुर ब्लॉक के ग्राम गाजीपुर का है, जहां पर ग्रामीणों ने जल की व्यवस्था के लिए टंकी निर्माण कार्य प्रारंभ होना था, जिसके लिए ग्राम समाज में भूमि का मिलना एक गंभीर विषय बना हुआ था, जिसके चलते ग्राम प्रधान ने टंकी निर्माण कार्य के ठेकेदार को एक ऐसी ही भूमि के कार्य प्रारंभ करा दिया जो ग्राम समाज में नहीं थी बल्कि एक किसान की थी। जैसे ही किसान ने अपनी भूमि में सरकारी कार्य होते देखा तभी उसने इसका विरोध प्रारंभ किया। किसान का कहना है कि उनके 100 नंबर को तत्काल प्रभाव से फोन किया गया है और मौके पर पुलिस को बुला लिया गया है, साथ ही क्षेत्र के पटवारी को फोन करके बुलाया गया है। पटवारी के आने के बाद से मामले की सच्चाई सामने आई और कार्य रोक दिया गया। क्या नाम है आपका? नाम हिमांशु। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के। अच्छा, ये जो गड्ढा खुदा पड़ा है आपके पीछे, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, हमने यहाँ एक पूजने का तीर्थ स्थल बनाया था अपनी जमीन में, निजी बैनामे की जमीन है हमारी ये बसीकत की। इसमें आकर रातों रात प्रधान रातों रात गड्ढा खुदवाया और रातों रात गड्ढा खुदवा कर बोरिंग मशीन मतलब लगा रहा था, मतलब टंकी बनाना चाह रहा था वो। उसकी हमारी जमीनी विवाद चल रहा थोड़ा सा, तो वो रातों रात काम करवाना चाह रहा, रातों रात जमीन हथिया रहा हमारी। अच्छा, तो इस चीज की शिकायत की किसी से? हाँ, 100 नंबर पर फोन भी किया मैंने, उसके बाद दरोगा से भी बात करी और दरोगा जी ने मुझे हड़क दिया और मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। अच्छा, पटवारी से? पटवारी को भी बुलवाया, पटवारी आया, पटवारी ने देखा कि जी अवैध हो। जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत जैदपुर स्थित दशहरा बाग बालाजी मंदिर पर आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुंदरलाल दीक्षित का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमरेश रावत ने कहा है कि किसानों और गरीबों के मसीहा रहे पंडित सुंदरलाल दीक्षित के सदैव उनके आवाज उठाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया है, जिसकी याद में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज किस तरह के कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके अगुआ और भाजपा के जनक कहे जाने वाले हैदरगढ़ विधानसभा से लगातार अपना परचम लहराने वाले ऐसे वयोवृद्ध दादा सुंदरलाल दीक्षित जी का निधन विगत 14 जनवरी को हो गया था, जिनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कि हम सब कार्यकर्ता यहाँ बालाजी के मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। ऐसे दादा सुंदरलाल दीक्षित जिनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, गरीबों मजलूमों। झांसी के बबीना कस्बे में अचानक पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबीना थाने का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि बबीना कस्बे में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देर रात पहुंचे और बबीना मार्केट का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच की और सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बता दें कि जिनकी दुकानें सोने चांदी के आभूषण की है उनमें भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। उन दुकान के दुकानदारों को कहा गया है कि अपने आप दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। सराफा बाजार होते हुए कपड़ा व्यापार बबीना मेन मार्केट होते हुए सीधे बबीना थाना पहुंची, जहां उन्होंने महिला ड्रेस का निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान निरीक्षण करते हुए प्रार्थना पत्रों का अवलोकन भी किया गया है।
वहीं रायबरेली में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय दो युवकों को गोली लग गई है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महाराजागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेड गांव का है ये मामला, जहां पर राम अवैध यादव ने यादव के बेटे जो हैं शशांक यादव का तिलक था। तिलक समारोह में दोनों पक्षों के बीच हंसी खुशी माहौल चल रहा था, तभी शशांक यादव के भाई कृपाशंकर यादव ने अपने पिता की बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। हर्ष फायरिंग करते समय बंदूक का अचानक ट्रिगर दब गया और इस दौरान उसके कारण बंदूक में गोली चल गई, जिसके बाद से सामने खड़ा दो युवक जो थे अभिषेक यादव पुत्र राम कुमार यादव, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, और धनंजय सिंह पुत्र राजेश सिंह जिसकी उम्र 22 साल है, उनको गोली लग गई। गोली लगते ही दोनों घायल होकर वहीं ज़मीन पर गिर गए, जिसे पूरे तिलक समारोह में खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई। पूरे समारोह में अफरा तफरी का माहौल मच गया, सब इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ अभिषेक यादव की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे युवक की घायल जो है हालत काफ़ी गंभीर है, उसका जांच पड़ताल लगातार जारी है। घटना की सूचना पहुंचते ही पुलिस बंदूक को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के किसानों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में आवारा मवेशी रात दिन फसलों को काटने के बाद भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुरुवार को सुबह सैकड़ों किसान ने बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों को लेकर डलमऊ के कान्हा गौशाला पहुंचे, लेकिन गौशाला प्रभारी द्वारा आवारा मवेशियों को अंदर ना किए जाने को लेकर किसानों में नाराजगी थी और इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। अंत में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मवेशियों को गौशाला में प्रवेश दिया गया। साथ ही बता दें कि डलमऊ तहसील क्षेत्र के सूरजपुर पूरे गुलाब राय पूरे बघेलान पचरा नवाजगंज सहित इस दौरान कई गांव के किसान आक्रोशित नजर आए। 100 से अधिक आवारा मवेशियों को लाठी डंडों से लैस होकर मारते पीटते गौशाला ला गया। अब खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक की हुई मौत मामले में बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनावा गांव का है, जहां पर राजस्थान के कुछ लोग खेती कर किसानों के लिए कार्य करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित रायबरेली आए हुए थे, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में ट्रैक्टर मालिक नवल सिंह मीणा द्वारा निवासी भरतपुर राजस्थान का शव ट्रैक्टर के बगल में मिलने से ग्रामीण सहित साथ ही लोगों में हड़कंप समझ गया। सभी लोग अपने जानवरों के चारे की व्यवस्था के लिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद जाते थे। वही साथियों द्वारा मृतक को ट्रैक्टर पर लाद कर पहुंचाया गया। अब खबर औरैया कैसे है, जहां पर बता दें कि शहर के अंदर सड़कों पर घूमते आवारा गौवंश से लोग परेशान हैं। यहां बीच रोड पर ही बता दें कि सांड आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, यहां इस दौरान अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसके बाद से जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क में पास कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सांड को अलग अलग करते हुए नजर आए। झांसी में अवैध असलाहा से प्रदर्शन करते वाले युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां आए दिन अवैध असलाहे के साथ दबंगों को देखा जाता है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मौट पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ललितपुर में दुकानदार व्यापारियों का आमरण अनशन देखने को मिला है। यहां चंदन मार्केट के सामने लगी फल और सब्जी के दुकानों को हटाने को लेकर यह आमरण अनशन किया गया है। वहीं व्यापारी द्वारा लगातार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर पालिका मुरादाबाद के नारों के साथ इन व्यापारियों ने जगह जगह जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाए जाने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया।
बदायूं के थाना कुवर गांव थाना क्षेत्र में जहां पर कुछ दिन पहले ही प्रतिबंधित पशुओं को काटने की सूचना मिली और जिसकी सूचना पाकर अमृत विचार के पत्रकार वहां पर पहुंच गए, जिसको लेकर कुवर गांव थाना प्रभारी पत्रकार को लिफाफे में 8,000 देने की बात कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये खबर को दबाने के लिए पत्रकारों को रिश्वत देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब रिश्वत लेने से पत्रकारों ने इनकार कर दिया और खबरों को प्रकाशित किया तो थाना अध्यक्ष ने खनन माफियाओं से मिलकर पत्रकार के ऊपर झूठा मुकदमा लिख दिया। यह मामला 15 दिन पुराना है। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकार को खबर दिखाने पर भी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी कब पत्रकारों को न्याय दिला पाता है। बिसौली तहसील पहुंचकर ग्राम सहित महिलाओं ने एसडीएम को शिकायत पत्र दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच करने की मांग की है। दरअसल योगी सरकार लगातार गरीबों को मुफ्त राशन और रहने के आवास दिलाने के कार्य कर रही है, जिससे कोई गरीब खुले आसमान में या झोपड़ी में न रहने को मजबूर हो, लेकिन बदायूं में अधिकारी सरकार के आदेशों की पलीता लगाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के बसौली तहसील ब्लॉक वजीरगंज क्षेत्र के गांव उरैना के सामने आया है, जहां पर लोग कच्चे मकान और झोपड़ी में इस कड़कड़ाती ठंड और बरसात पर रहने को मजबूर है, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां बता दें कि इस दौरान लाभार्थियों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर उन्होंने पत्र देकर इस मामले को लेकर संज्ञान लेने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।